नशा मुक्ति की राष्ट्रीय ऑनलाइन शपथ के माध्यम से लगभग 1,00,000 शैक्षिक संस्थाओं को और इसके माध्यम से और युवाओं को इसके साथ जोड़ने का भी हम प्रयास कर रहे हैं, जो ऑनलाइन सफलता होगी। FCRA का जिक्र कर रहे थे, इसमें ढेर सारे NGO भी जुड़े हैं, मगर ये NGO ऐसे हैं जो भारत के समाज को स्वस्थ करना चाहते हैं। कुछ NGO ऐसे होते हैं जो भारत के समाज को प्रताड़ित करना चाहते हैं। दोनों के लिए भारत सरकार की नीति एक नहीं हो सकती। FCRA के कानून का जो पालन नहीं करेगा उसके साथ सख्ती की जाएगी, कोई दया का भाव नहीं रखा। विदेश से आए हुए धन के स्रोत राज्य की निगरानी में नहीं हो ऐसा नहीं चलेगा। बहुत चला लिया जब आपकी सरकार थी, ये नरेंद्र मोदी सरकार है। देश को खत्म करने के लिए देश के अंदर एक कानी पाई भी हम नहीं आने देंगे। माननीय, इस मिशन के अंदर चिन्मय मिशन भी जुड़ा है, रामकृष्ण मिशन भी जुड़ा है, आर्ट ऑफ लिविंग भी जुड़े हैं, ब्रह्मा कुमारीज भी जुड़े हैं, निरंकारी मिशन भी जुड़ा है और ढेर सारे आध्यात्मिक, धार्मिक और सामाजिक संगठन भी जुड़े हैं। इन पर कोई तकलीफ नहीं है, उनको FCRA के कानून से कोई दिक्कत भी नहीं है। मगर जो लोग देश के अंदर देश की डेमोग्राफी को बदलना चाहते हैं और इसके लिए FCRA का उपयोग करना चाहते हैं, तो वो कानूनन इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। इस पर सख्त कार्यवाही।